मोदी के नए मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश के लिए राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश से 7 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है। प्रदेश से अनुप्रिया पटेल व कौशल किशोर सहित 5 नेता मोदी कैबिनेट में यूपी से मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में यूपी से अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, एसपी सिंह, बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा और अजय मिश्रा शामिल किए गए हैं। सभी मंत्रियों ने अपने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर क्षेत्रीय नेताओं में रार बढ़ गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मोदी कैबिनेट में अपना दल की अनुप्रिया पटेल को जगह देने पर कहा, जब अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है तो प्रवीण निषाद को क्यों नहीं। संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2018 में गोरखपुर में प्रवीण निषाद ने योगी आदित्यनाथ को हराया था। उपचुनाव में प्रवीण निषाद ने सपा उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। इसके बाद हम भाजपा के साथ आए, जिससे भाजपा 40 सीटें जीतने में कामयाब रही। पंचायत चुनाव में हमने 160 सीटें जीती। जब अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है तो प्रवीण निषाद को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए।